तकरीबन 3 हफ्ते राणा सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राणा सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद। जहां तक सबूत हैं, ए टू जी तमाम सबूत जो हैं वो इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए जाएंगे। मुझसे बार बार पूछा जाता है कि तमाम चीजें, मैंने कही अदालत में प्रोसिक्यूशन का काम है। वीडियो और फुटेजेस में फर्क पहले ये बता दूं कि फुटेजेस वो होते हैं जो कि आपने, जैसे मैंने कहा, 3 हफ्ते तक इनको, राणा साहब को फॉलो किया गया और जो कि डिफेंस काउंसिल ने भी पेश किया। इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा। कादीन के बाद शहरियार आफरीदी का भी यूटर्न, डिक्शनरी से फुटेज और वीडियो में फर्क का नया तर्जुमा ले आए। बोले, राणा सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के वक्त वीडियो बनाने का बयान ही नहीं दिया, फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी कि फिल्म बनाते। वीडियो और फुटेज में फर्क होता है, वक्त साबित करेगा कि ये जमानतों का मौसम है। अगर एहतसाब ना हुआ तो जमहूरियत नामुकम्मल रहेगी। इमरान खान का नाम एहतसाब खान है क्योंकि वो लूटी हुई दौलत हासिल करना चाहता है और गरीबों में और आम लोगों में आज जो महंगाई है, मैं वो लीडर नहीं हूं जो इस महंगाई का एतराफ ना करे, जो इस बेरोजगारी का एतराफ ना करे। शेख रशीद ने वजीर आजम इमरान खान का नाम एहतसाब खान रख दिया। कहते हैं अवाम ने इमरान खान को एहतसाब के नाम पर वोट दिए। इमरान कहीं नहीं जा रहे, ओपोजिशन की सियासत खत्म हो रही है। वजीर रेलवे का फिर महंगाई और बेरोजगारी का एतराफ। कहना चाहती हूँ चेयरमैन नैब को कि आप सिलेक्टेड वजीर आजम के आलाकार हैं, आप सियासी मुखालफीन को अगवा कर रहे हैं। मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ कि आज 15 महीने गुजर गए, सियासी मुखालफीन को जेलों में डाला। नौजवान हो, दोबारा से तरक्की की डगर पे नवाज शरीफ की क्यादत में, शहबाज शरीफ की क्यादत में मुस्लिम लीग नून, इंशाल्लाह नए इलेक्शन होंगे। मरियम औरंगजेब के हुकूमत पर वार, कहा हुकूमत नाअहल और झूठी है। अपोजिशन को जेलों में डालना हुकूमत का मिशन है। नैब न्याजी गठजोड़ नहीं चलेगा। नून लीग झुकने वाली नहीं, सिलेक्टेड घर जाने वाला है। मरियम नवाज को अदालतों से इंसाफ मिलेगा। मरियम नवाज की दरख्वास्त की समाअत करने वाला लाहौर हाईकोर्ट का बेंच तहलील। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू छुट्टियों पर चले गए। मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी और ECL से नाम निकालने के केस की समाअत कल मुकर्रर है। मरियम नवाज की जो जमानत का जो बाहर जाने की इजाज़त जो है उसको मुस्तरद किया है काबीना की कमेटी ने। एक मुंतकिम पॉलिसी जो है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इंतकाम भी किस बात का, गिरफ्तारियाँ और जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है अपोजिशन की क्यादत को, अपोजिशन के कारकुनों को, तो ये माहौल जो है बजाय बेहतर होने के माहौल जो है और ज़्यादा ख़राब। मरियम नवाज के बाहर जाने पर पाबंदी इंतकामी सियासत है। हकीकी जमहूरियत की जद्दोजहद जारी रखेंगे, ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कायदे आजम और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह और क्रिसमस का केक काटा गया। परवेज रशीद कहते हैं पाकिस्तान की खिदमत करने वाले आज जेलों में हैं। वजीर आजम साहब जो 27 को कराची तशरीफ ला रहे हैं, तो उसमें ख़ास तौर से उन्होंने मुझे कहा कि वो वज़ीर आला से भी मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं और जो ऑफिशियल दावत है वो वज़ीर आला को पहुंच जाएगी। हम जो कराची के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर कहीं हमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें जहां जहां वज़ीर आला की सिंध हुकूमत की मदद की ज़रूरत होगी वहां उनको हम बताएंगे, क्योंकि हम अगर मिलकर चलते हैं तो हम अपने सूबे का बेहतर काम कर सकते हैं। मज़ार क़ायद पर इत्तेहाद के बाद इख्तलाफात की बातें। गवर्नर सिंध बोले वजीर आजम वजीर आला से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि वो 27 दिसंबर को रावलपिंडी में होंगे, इमरान खान से नहीं मिल सकते। इमरान खान ने मिलना है तो इस्लामाबाद में मुलाकात का वक्त तय कर लें। साहब ने बताया कि 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आ रहे हैं, मुझे अभी तक कोई इतला उसकी नहीं है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मिला था परसों,
तो मैंने उन्हें ये कहा था और उनसे दरख्वास्त की थी कि मैं एज चीफ मिनिस्टर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं प्राइम मिनिस्टर जब आए उन्हें रिसीव करने जाऊँ। 27 दिसंबर मेरे ख्याल है हर पाकिस्तानी हर बच्चे बच्चे को पता है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है। मैं 27 तारीख को पिंडी में हूँगा इसलिए कि मैं चीफ मिनिस्टर होने के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना का मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। कादी आजम का 144वां यौम पैदाइश मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। बाबाए कौम को पूरी कौम का सलाम। मजारे कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरबकार तकरीब। पीएमए के कैडेट्स ने फराइज संभाले। गवर्नर और वजीर आला सिंध की मजारे कायद पर हाजिरी। जियारत में कायद आजम रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की तकरीब। एफसी के दस्ते की सलामी। स्कूल के बच्चों ने बैंड की धुन पर कौमी तराना पेश किया। पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने का कायद आजम को खिराज अकीदत। ट्विटर पैगाम में लिखा, आज पाकिस्तान में यौम कायद मनाया जा रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना अजीम लीडर कौम के बाप की हैसियत से काबिल एहतराम है। शिकागो में डेवन एवेन्यू के सेक्शन का नाम कायद आजम के नाम पर रखा गया है। दुनिया भर में क्रिसमस के रंग। पाकिस्तान में शहर शहर तकरीबात, गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, बच्चों और बड़ों का खुशियां बांटने का पैगाम। मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। अच्छे बर्ताव के लिए किसी के अच्छे होने का इंतजार ना करें। मत सोचें कि इंसानियत से मोहब्बत वक्त का ज़िया है। दुनिया में जो मसाइल हैं, उन्हें बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वेटिकन में क्रिसमस की मरकजी तकरीब से पोप फ्रांसिस का खिताब। मियां नवाज शरीफ 70 साल के हो गए साबिक वजीर आजम। बीमारी के बायस लंदन में मुकीम। लाहौर समेत मुल्क भर में सालगिरह की तकरीबात, केक काटे गए। लीगी कारकुनों का मियां नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम बनाने का अज़्म। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसे की तैयारियां। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का रावलपिंडी के लियाकत बाग का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। कमर जमान कारा कहते हैं, पीपी को आमरियत नहीं दबा सकी, इमरान खान क्या दबा सकेंगे। इस्लामाबाद में 4 साल के बच्चे के कत्ल की तहकीकात। मासूम उमर को 3 रोज तक खाना नहीं दिया गया। मुंह में कपड़ा डालकर टेप से बांध दिया गया। भूख, ठंडा और बेहोशी के इंजेक्शन से हलाकत हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के तफ्तीश के दौरान सनसनीखेज इंकशाफ। बीस साल बाद कल पाकिस्तान में सूरज ग्रहण। रिंग ऑफ फायर सुबह 7:50 से 10:10 तक वाजे देखा जा सकेगा। सूरज को मुकम्मल ग्रहण 8:37 पर लगेगा। सुबह के वक्त अंधेरा छा जाएगा। उलमाए कराम का कहना है, मुसलमान सूरज ग्रहण के दौरान नमाज़े खुसूफ अदा करें। मुल्क भर में शदीद सर्दी। लाहौर समेत कई इलाकों में मतलाबर आलूद। पहाड़ों पर बर्फबारी। स्कर्दू का पारा -16 तक गिर गया। अस्तौर में -11, कल्लात और बघरूट में -7 रिकॉर्ड। कल्लात में पाइपलाइनों में पानी जम गया। 2019 में तेज तरीन मौसी तरक्की करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान पीछे रह गया। बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और वियतनाम भी वतन अजीज से आगे। मौसी तरक्की में रवांडा का सबसे पहला नंबर, बांग्लादेश का दूसरा, आइवरी कोस्ट का तीसरा, नेपाल का 6 नंबर। गैर मुल्की सरमायाकार बड़े सियाने निकले। 5 माह में $67 करोड़ मुनाफा कमाकर बाहर भेजा। नई सरमायाकारी के 79% डॉलर दोबारा बाहर चले गए। और अदाकारा इकरा और यासिर हुसैन की शादी की तकरीबात, माइयों की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों फनकार 28 दिसंबर को शादी के बंधन में बन जाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी। लाहौर समेत कई इलाकों में मतलाबर आलूद। पहाड़ों पर बर्फबारी। स्कर्दू का पारा -16 तक गिर गया। अस्तौर में -11, कल्लात और बघरूट में -7 रिकॉर्ड। कल्लात में पाइपलाइनों में पानी जम गया। 2019 में तेज तरीन मौसी तरक्की करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान पीछे रह गया। बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव
और वियतनाम भी वतन अजीज से आगे। मआशी तरक्की में रवांडा का सबसे पहला नंबर, बांग्लादेश का दूसरा, आइवरी कोस्ट का तीसरा, नेपाल का छठा नंबर। गैर मुल्की सरमाया कार बड़े सियाने निकले, 5 माह में $67 करोड़ मुनाफा कमाकर बाहर भेजा। नई सरमायाकारी के 79% डॉलर दोबारा बाहर चले गए। और अदाकारा इकरा और यासिर हुसैन की शादी की तकरीबात, माइयों की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों फनकार 28 दिसंबर को शादी के बंधन में बन जाएंगे।